अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये आपका 21 अगस्त 2022 का पेपर है। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जो कि लैट का पेपर होता है ऑफिशियली, ठीक है। तो ये जो पेपर है, इसकी आंसर कीज़ जो है वो कुछ देर तक मैं ग्रुप्स में अपलोड कर दूँगी, लेकिन इसके जो आंसर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, ये आंसर की है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, ये है कलमा और शहादत। प्रॉफिट हज़रत आदम काल द अबुल बशर, जैसे कि मतलब बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम के हमारे बाप हैं, हम उनकी औलाद हैं, ठीक है। तो ये अबुल बशर यानी अबू बशर के वालिद अबू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, निसाब और ज़कात, 7.5 तोला ऑफ गोल्ड। ये मैंने आपको जब अगर प्रिपरेशन करवाई थी तो उसे एक दिन पहले, जब पेपर देने से एक दिन पहले, सैटरडे वाले दिन 20 अगस्त को मैंने आपको सारा सिलेबस रिवाइज करवाया था, तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये 7.5 तोला गोल्ड का है, 52.5 तोला चांदी है, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो उस पर भी है। और उसकी शर्त ये है कि वो एक साल से आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड की टू पैराडाइज इन इस्लाम, सलाह और नमाज, नमाज़ जो है वो उसे जन्नत में जाने की दी है। यूनिवर्सल रिसालत इज़ इक्वालिटी टू इज़ क्वालिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाकिस्तान आखिरी नबी रसूल हैं। ग़ज़वा अहज़ाब इज़ आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ ट्रंच या ग़ज़वा खंदक, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तीन इसके नाम थे, वो मैंने तीनों आपको बताए थे। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़ टू इंक्रीज, ज़कात का जो वर्बल मीनिंग है उसका मतलब है टू प्योरीफाई, और लिटरल मीनिंग जो है टू इंक्रीज। हतम नबूवत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्म जो नबूवत है उसका नाम, जो जिस नबी पे ख़त्म नबूवत नबूवत का अख्ताम हुआ वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी। द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ होली कुरान कंसिस्टेड ऑफ 5 आयात, पहली जो वही थी इकरा बिस्म रब्बी का लजी, वो 5 आयात पे मुश्तमिल थी। हु फ्राम फॉलोइंग ब्रिंग्स अल्लाह मैसेज इंजेक्शंस एंड स्क्रिप्ट चर्च टू हिज प्रॉफिट, हज़रत जिब्राइल अल्लाह ताला के पैगाम नबी तक देते थे और नबी हज़रत पाकिस्तान के पैगाम अल्लाह ताला को देते थे। द डिसिप्लिन्ड यूनिवर्स इज़ द बेस्ट प्रूफ ऑफ तौहीद, के ये जो इस सारी दुनिया का निज़ाम है ये एक डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ताला को शरीक होता या खुदा दो होते तो ये दुनिया इस तरह यूनिवर्स नहीं होती, दुनिया इस तरह डिसिप्लिन नहीं होती, ठीक है। ये इसका मतलब है कि सारी दुनिया का निज़ाम जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, डैट मीन्स कि अल्लाह ताला एक है और वो यकता है, और उस अकेले के हाथ में दुनिया की भाग दौड़ है। अगर जनरल नॉलेज का पोर्शन है, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स अनएक्सप्लोर्ड करेक्टरिस्टिक्स फॉर अ fairly long period of time, that is called Africa। ये जब हमने सुपर सेशन की तैयारी की थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ। द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना इज रेमबिनी। लियोनेल मेसी इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, बिलोंग्स टू विच कंट्री, अर्जेंटीना। विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। लंडन इज कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, ये भी पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट जो मेरे ख्याल से पेपर में तकरीबन कोई 60 क्वेश्चंस मैं कह सकती हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो सिलेबस रिवीजन में पढ़े हुए हैं, या आपने उसमें सुपर वीक सेशन में पढ़े हुए हैं, या टेस्ट सेशन में देखे हुए हैं, या आपने डेली जो हमने डिस्कशंस फॉरम्स थे उस पर आपने पढ़े हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, ये भी एक इंटरनेशनल NGO है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और इसके तो मैंने आपको ब्रीफली सारा वो करवाया भी हुआ है। द मेन एम्स ऑफ SAARC इज़ रीजनल कॉपरेशन, क्योंकि इसमें इसके वर्ड में ही है, ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था। SAARC स्टैंड फॉर, उसका काम क्या और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ICC एज एन एक्रोनिम इज़ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
डार्विन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट है डार्विन। डार्विन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है। नेल्सन मंडेला वॉज रिवोल्यूशनरी एंड पोलिटिकल लीडर, कहाँ से हैं ये? साउथ अफ्रीका से हैं। पाकिस्तान जॉइंड UNO, UNO की भी मैंने आपको बताया हुआ थोड़ा सा, 1947। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट कंट्री टू रिकोगनाइज पाकिस्तान? ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिया था, जब सेकेंड आपका टेस्ट हुआ है तब तभी फर्स्ट हुआ, उसमें मैंने दिया हुआ है इसमें, ईरान है। नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अ प्लानट इज मून। इन पाकिस्तान सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोविंसेज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जिस प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी असम्बली में सीट्स उतनी होंगी। सन बैचिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है जो कि सूरज के गिर्द घूमती हैं। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इज 1935 में लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश का वो हुआ था। पाकिस्तान का 1973 में चल रहा। G7 ग्रुप ऑफ सेवन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड सेवन लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स एडवांस इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होगा उसे होम पेज कहते हैं। पाकिस्तान लोकेटेड इज साउथ एशिया। एशिया जो एक वो है, जैसे सब कॉन्टिनेंट था ऐसे एशिया जो है वो एक बरआज़म है, और उसमें पाकिस्तान साउथ एशिया में है। ओके, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है। हु फ्रॉम फॉलोइंग कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट शिमला इन जून 1947? लॉर्ड वेवल। ये सारे 1947 से मैंने आपसे कहा था, इनको ज़रा गौर से तैयार कीजिएगा। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ एम्प्लॉयड बाई विच सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का 52% पोर्शन जो एग्रीकल्चरल है। अकॉर्डिंग टू पार्टीशन फॉर्मूला पाकिस्तान वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1 billion, बट द इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू अप्रूव ओनली रुपीज़ 0.75 billion एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको जो सारी स्टोरी बताई हुई है पाकिस्तान स्टडीज़ में, कि आपने कैसे जो हमारा 1 billion अप्रूव हुआ था लेकिन हमें 1.25 million मिला, और 25 करोड़ अभी भी इंडिया के ज़िम्मे हैं और उसका कोई माँ बाप नहीं है। मोहनजोदड़ो इज़ अ सिंधी वर्ड मीनिंग लिटरली माउंट ऑफ डेथ। ये एक न्यू क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया हुआ, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इन द ईयर ऑफ 1837 उर्दू वॉज रिकोगनाइज एज द लैंग्वेज ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1837 में इन जो उर्दू है वो रिकोगनाइज हुई थी एक लैंग्वेज। वॉट इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? दैट इज़ कॉल्ड स्पीकर। जो कौमी ये नेशनल असम्बली का स्पीकर होता है उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। मेजर ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इज प्रोविजनलिज्म यानी डाउट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डाउट में है, प्रोविजनलिज्म ही आई थिंक। ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल फीचर्स द लैंड ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 6 regions। पाकिस्तान नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 37% अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड टारगेट ऑफ 24% इन द फर्स्ट 5-year प्लान। पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम थी वो 35% इंक्रीज़ हुई थी फर्स्ट 5-year प्लान में 24% से। द बेसिस ऑफ आवर नेशनल यूनिटी इज़ इस्लाम। ये इंग्लिश का पोर्शन है। शाजिया हैड ओपन द डोर बिफोर वी अराइव्ड। ये आपको मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा उसमें कीजिएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब और उसके अलावा प्रपोजिशंस, तो ये उनमें से क्वेश्चन आया हुआ। आई होप यू एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा वो हूँ डाउट में हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिविंग की जगह लिव भी आ सकता है। देर इज़ नो मीनिंग ऑफ वट ही सेज ऑफ, यहाँ पे आएगा। ये प्रपोजिशन का है, ये प्रपोजिशन के मैंने आपको चैप्टर्स बकायदा करवाए हुए हैं। माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन।
ठीक है, यहाँ दैट ही आएगा, दे वर ऑलमोस्ट डेड बट सम हाउ सर्वाइव्ड, तो वो तकरीबन मर चुके थे लेकिन किसी तरह बच गए। द कार स्टॉप सडनली, वी कुड हर्ड द ब्रेक्स, हियर द ब्रेक्स क्लियरिंग क्लैटरिंग। दीज आर सम गुड रूल्स टू लिव बाय। आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाय एयर, मतलब इसमें रियली इस सेंस में आएगा कि मुझे बिल्कुल नहीं है। डू यू नीड टू गो नाउ, टू आएगा, डू यू नीड टू गो नाउ, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं लगेगी। इफ वी स्टार्टेड अर्ली वी वुड रीच अवर डेस्टिनेशन इन टाइम, एंटोनियम्स हैं ये। शी वॉज फ्लेम बॉयंटली ड्रेस्ड एंड डिड नॉट लुक डल, फ्लेम बॉयंटली का मतलब है डल। अ विवेशियस पर्सन इज नॉट इडल, ये विवेशियस का जो है ऑलरेडी मैं एक एंटोनियम आई थिंक या सिनोनिम दे चुकी हूँ आपको टेस्ट पेपर में। इफ समवन इज इन द स्टेट ऑफ एडवर्सिटी इट मीन्स ही इज नॉट हैप्पी, एडवर्सिटी का मतलब है हैप्पी। इफ यू ridicule someone you do not appreciate him, if the custom is prevalent it is widespread, agar custom prevalent hai to ye kya hai widespread hai. My job is really grinding and difficult, yahan pe difficult nahi mana tha synonym hai, grinding ka meaning bhi some like that hota hai. Sloppy work is done, yani carelessly work is done. If you recapitulate something, you repeat it. He got angry and left without eating. He got angry and left, यानी चला गया without eating, खाए बगैर। मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस तो इतना हलवा थे, आपको मैंने पहले बताया था जिस टाइप के क्वेश्चंस आने थे और ये ऑलमोस्ट उसी टाइप के हैं। A car owner earns 30% profit on sale of a car if the cost of that car is ₹5 lakh, then profit you will get it. 30% profit था, आपने इसको फोर्थ parts में convert करना था और उसका 30% निकाल लेना था easily. The supplement of angle of 123 degree is 57. अच्छा ये इस तरह से भी इसका एक easy part है कि आपको पता है 180 का full angle होता है, ठीक है, उसमें से 123 निकाल देते हैं तो बाकी जो एंगल बचता है वो 57 का बचता है, यानी 123 निकाल देंगे 57 बाकी बच जाएगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड लेंथ 6 फीट इज 36 फीट स्क्वायर, 6 साइड्स होती हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 फीट आ जाता है। अनवर हैज़ ₹1,67,000 इन हिज बैंक अकाउंट, द अमाउंट ऑफ ज़कात ही वुड पे, अच्छा इस पर ज़कात जो थी वो 2.5% थी तो आपने इसका 2.5% निकाल लेना था। अच्छा ये प्लस प्लस माइनस वाले क्वेश्चन थे, 5 इफ पी एक्स इक्वल्स टू 3x2 प्लस 4x प्लस 5 देन व्हाट द p3, तो जहाँ पे p था ना, जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे आपने 3 जो है ना वो पुट कर देना था तो आपका वो सारा आंसर आ जाना था 44। सब्जेक्टिव पोर्शन में इतना डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, और इसमें दो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी गेस्ट पेपर्स में बताए हुए थे, एक सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा मैंने बताया हुआ था ये क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, तो वो एक इसी टाइप का टॉपिक आ जाता है, इफ़ यू लिव फॉर 100 ईयर्स प्लांट ट्रीज, तो इसके बारे में आपने ऐसे लिखना था। और हेल्थ इज़ वेल्थ एक नया टॉपिक था लेकिन ये मुश्किल नहीं था, सो हाँ मुझे इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा टफ लगा लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-4 MCQs बस। ये पर्सनल स्टेटमेंट थी, योर 3 बिगेस्ट विशेज़ इन योर लाइफ, ये उसी तरह से करनी थी जैसे मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ था, जस्ट आपने इसमें थोड़ा सा कर देना था, सेटल डाउन कर देना था अपनी, एक तो लॉ की विश तो आपने कंफर्म लिखनी थी, दो आपने वैसे लिख देनी थी, पाकिस्तान के बारे में एक लिखनी थी और एक आपने थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देना था अपना पॉइंट, तो ये ईजी था। लेकिन आपने इसको पॉइंट आउट करके लिखना था, हेडिंग्स वगैरह नहीं बनानी थी, बस आपने हाईलाइटिंग करनी थी, तो बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये चेक करके कि आपके कितने MCQs आपने सही लगाए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो ऑफिशियल कीज़ हैं वो मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दी हुई हैं, और उसके बाद कोई और इशू हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल
गेट योर पॉइंट।